हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारे यूनिट 11 अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के इंटेक्स क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर है 11.7। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, फर्स्ट है 1-methylcyclohexanol एंड सेकेंड है ब्यूटेन 1-ol। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1-methylcyclohexanol और ब्यूटेन 1-ol का हमें एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है और बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा या मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। आइए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट लेते हैं हम एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, क्या दे रखा है हमें, 1-methyl साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर, क्या दे रखा है, 1-methylcyclohexanol और इसका हमें क्या करना है, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करना है। देखिए ये बात भी याद रखिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का निकल जाना। तो जब 1-methylcyclohexanol में से वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो हमें एल्कीन्स ऑब्टेंड होगी। अब जो हमें एल्कीन्स ऑब्टेंड हुई है उनमें से कौन सी एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनती है वो हमें बताना है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, अब 1-methylcyclohexanol को हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये है साइक्लोहेक्सेन, क्लियर, अब हमने इस पोजीशन पे लगा दिया OH, ये बन गया इस समय साइक्लोहेक्सेनॉल, आप चाहो तो इसे यहां भी लिख सकते हो। अब देखिए 1-methyl है तो मतलब 1 पोजीशन पर ही क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, हमने यहां जोड़ दिया CH3। अब ये बन गया आपका कौन, 1-methylcyclohexanol। ध्यान से समझे, अब देखिए हमें करना है इसका प्रेजेंस रखनी है एसिड की, हमने एच पॉजिटिव लिख लिया, बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, एच पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो ये एच जो है इससे आकर जुड़ेगा, वो ध्यान से समझते रहना, एक अब एक स्टेप आप समझिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहां पर कौन लगा हुआ है, CH3, क्लियर। अब देखो यहां पर कौन आ गया, यहां पर आपका ये H जो है इससे आगे जुड़ जाएगा, तो इसीलिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या खाली लोन पेयर कह दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, एच पॉजिटिव को, तो इसलिए यहां पर एक एच तो था, एक और आ गया, मगर अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका ये जो लोन पेयर है एक वो नीचे रखा है। अब आप ये बताइए ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात या गंदी बात, गंदी बात होती है, इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। चलिए अब क्या होगा ये भी देखिए, अब ये होगा कि भाई इसको तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मिल गए तो यहां से क्या बनता नजर आ रहा है आपको, यहां से जल के मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे, H2 यहां से निकल गए, मगर हुआ क्या, हुआ ये देखिए ये CH3 आ गया, मगर इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूं बहुत ध्यान समझिए, क्या आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यह आपका कार्बोकैटायन बन गया, इसे हिंदी में कार्बोनियम आयन बोलते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहां से आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिए कैसे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक एच मैंने यहां दिखा दी, ऊपर दिखा देता हूं, मैं यहां दिखा रहा हूं, ओके ये मैंने दिखा दिया एच, सही, CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो दिखाई रहा है आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटकर कहां जाएगा, इसके पास, जिससे ये चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मगर इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, आपको एल्कीन ऑप्टेंड हो जाएगी,
देखिएगा ये CH2 है, क्लियर। अभी हाइड्रोजन जो होता है H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकल जाएगा और यहां इस वाले कार्बन और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपको एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, ये एल्कीन बनी एक। अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए ये कार्बन कैटायन यहां पर है, चाहे आप यहां से H ले लो या यहां से H ले लो, क्लियर। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई इस समय चाहे ये वाला कॉर्नर हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, चाहे ये हो, सब यहां पर कार्बन है और कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हम जानते हैं, क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने आपको यहां एक हाइड्रोजन दिखाया, हम जानते हैं यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी कितने हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैंने आपको एक हाइड्रोजन दिखाया, अब ये दिखाया मैंने और ये जो बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो गया, इस तरह देखो दिखाई दे रहा आपको, इधर शिफ्ट हो गया, यहां समझो इधर शिफ्ट हुआ, तो अब क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखिए वो ध्यान समझिए, क्लियर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, मैं इसको CH3 ले लूं, हमने इन वाले हाइड्रोजन कुछ नहीं करा है, हमने जो रिंग के अंदर हाइड्रोजन थे उसको लिया है। अब यहां पर क्या बन गया भाई, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव के रूप में यहां से निकल गया, ये तो प्रेजेंस है ना, कैटलिस्ट के रूप में है, तो इसलिए कैटलिस्ट तो रिएक्शन के बाद ऐसे के ऐसे बच जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका, अब एक प्रोडक्ट ये बना, ये भी एल्कीन है और ये भी आपके एल्कीन है। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए कैसे बताओगे, देखिए ये डबल बॉन्ड है, इस तरह से आप राउंड करो, डबल बॉन्ड की वाली पोजीशन जो होगी वो क्या होगी सर, अल्फा होगी। डबल बॉन्ड से ये वाली पोजीशन क्या होगी सर, अल्फा होगी। डबल बॉन्ड से ये वाली पोजीशन क्या होगी, अल्फा होगी। देखिए यहां पर तीन हाइड्रोजन है, यस अभी मैंने बताया था यहां कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, यहां भी कितने हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे। तो अब हम इन सभी अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, गिनते हैं तो कितने बनते हैं, तो यहां से बनते हैं हमारे 7 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। अब देखिए यहां पर हम देखें भाई ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से है, देखिए अल्फा पोजीशन ये है, क्लियर, और अल्फा पोजीशन ये है, देखिए ये तो आपका डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो ना उससे लगाइए आप भाई, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बाद तो कोई आपको अल्फा नहीं दिखाई दे रहा, इस वाले कार्बन से देखें तो यारी पोजीशन अल्फा है, इस वाले कार्बन से देखें तो यारी पोजीशन अल्फा है, यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे और यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पर आपके बने क्या, क्या बने, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बताइए कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है या इसमें, तो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वही आपका स्टेबल एल्कीन होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये मेजर प्रोडक्ट है, इसका नेम होगा 1-methylcyclohexene, क्या नेम होगा, 1-methylcyclohexene होगा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, बताइए। और दूसरी बात हमें ये पता है कि देखिए यहां देखें तो यहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है जबकि वहां पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, तो हम ये भी जानते हैं जिस एल्कीन में जितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप अल्फा से देख लो चाहे आप ग्रुप से देख लो, बताइए ये आपको समझ में आ गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा है क्या है, तो एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, यहां कर देंगे क्या, ब्यूटेन वन ऑल, क्लियर, क्या लिख देते हैं यहां पर, ब्यूटेन, ब्यूटेन वन ऑल, क्लियर, ब्यूटेन वन ऑल। अब हमें करना क्या है, यहां भी डिहाइड्रेशन करना है, यहां से भी वाटर के मोलिक्यूल निकलेंगे और हमें एल्कीन ऑब्टेंड होगी, एल्कीन्स ऑब्टेंड होगी और बताना होगा कभी उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो आइए देखते हैं, देखिए CH2 और ये CH2 और यहां पर आ जाएगा आपका OH, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ये आपका ब्यूटेन वन ऑल है। चलिए देखिए यहां पे लिखेंगे हम H पॉजिटिव, एसिड कैटेलाइज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे भी हमने पीछे करा है अभी इससे फर्स्ट पार्ट में ऐसे ही करना है, ये लोन पेयर है इसको दे दीजिए, इससे क्या होगा जरा ध्यान समझो,
CH3 सिंगल बोन, CH2 CH2 CH2। अब देखिए एक H इससे आके जुड़ेगा तो यहां पर H2 हो जाएगा, मगर ऑक्सीजन पर क्या जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, और इसका एक लोन पेयर ये है। अब ऑक्सीजन कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए वो क्या करेगा, यहां से ही बॉन्ड जो है इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए मैं यहां दिखा देता हूं आपको, यहां समझिए, अब यहां से वाटर के मॉलिक्यूल तो निकल रहे हैं भाई, डिहाइड्रेशन तो ये हो गया, मगर आपको उसने दे क्या दिया, जैसे वहां पर कार्बोकैटायन बना था ना, यहां भी बनेगा ऐसे ही, मगर यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखिए CH2 और ये CH2 और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, क्लियर। इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, इससे एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम कार्बोकैटायन का ऑर्डर देखें, क्लियर, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, उसके स्थायित्व का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज्यादा जो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, उससे कम, और सबसे कम होता है 1 डिग्री, क्लियर, ये ऑर्डर होता है, ये याद रखो। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है वो क्या है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, क्लियर। अब कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होगा तो हमें जो एल्कीन बनेगी वो भी स्टेबल होगी, भाई हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल है तो एल्कीन भी स्टेबल होगी, और कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो एल्कीन क्या होगी, अनस्टेबल होगी, और जो एल्कीन अनस्टेबल होगी, अस्थाई होगी, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कैसे हो सकती है। तो इसलिए अब यहां क्या होगा, यहां पर आपको 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग देखने के लिए आपको यहां पर मिलेगी। देखिए वो क्या होता है, ध्यान समझिए, देखिए मैं यहां पर इस वाले हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन दिखा दूं, बताइए समझिए बात को, ऐसे दिखा सकता हूं, दिखा सकता हूं। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो लेके जाएगा, लेके जाएगा मतलब ये बन जाएगा आपका एच नेगेटिव। तो एच नेगेटिव जो होता है, हम इसे ही तो बोलते हैं हाइड्राइड। अब ये एच नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला एच यहां आकर इस कार्बन जुड़ जाएगा, क्लियर। अब इससे क्या होगा, यहां पर ये CH3 हो जाएगा और ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहां पर ये चार्ज हट जाएगा। मगर देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, देखिए इस तरह से, ध्यान समझिए, देखिए CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर देखिए CH और ऑफ कर देता हूं इसे, CH हटा गए, फिर देखिए यहां पर CH ये पहुंच गया यहां पर CH3 और पॉजिटिव चार्ज ये आ गया। अब देखिए ये इस वाले कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक कार्बन जो ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है वो कौन सा है, 2 डिग्री मैंने बताया, तो 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा वो 1 डिग्री से स्टेबल होगा। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है, इस वाले कार्बोकैटायन से क्या है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है, बताइए। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका स्टेबल होगा, और जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसे कह लीजिए, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए अब यहां से, अब देखिए क्या होगा भाई, ये हाइड्रोजन है, मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दूं, क्लियर, अब ये जो बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएंगे, क्लियर, और यहां से ये एच पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, क्लियर। अब यहां पर क्या बनेगा देखिए जरा ध्यान से, CH3 सिंगल बोन CH यहां पर आ जाएगा डबल बोन, क्लियर, समझ आया ना बात को, और ये आ गया CH3। इसका नेम क्या होगा लिख देते हैं यहां पर, ये होगा आपका ब्यूट 1-2, तो ब्यूट 2-ईन, क्लियर, क्या बना, ब्यूट 2-ईन बना। चलिए एक प्रोडक्ट तो आपको ये बना, अच्छा मैं यहां पे लिख भी देता हूं, क्लियर, यहां पे लिख भी देता हूं, ये बात जो हमने करी थी, क्या करी थी, यहां पर हुआ आपका 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या हुआ है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा ये भी आप बात याद रखना, केवल कार्बोकैटायन में ही होता है ये हाइड्राइड शिफ्ट, और ये भी याद रखो ये जो 1-2 लिख रहा हूं ना, ये IUPAC नंबरिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है, 1-2 का मतलब होता है अगल बगल से ही ये शिफ्टिंग होगी, सही, जस्ट एडजेसेंट कार्बन से ही ये हाइड्राइड शिफ्टिंग देखने के लिए मिलेगी। कभी आप IUPAC के अकॉर्डिंग यहां पर कहो कि हमने ये IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा है, IUPAC के अकॉर्डिंग ये बात नहीं है,
क्लियर, कार्बोकेटायन में ही ये शिफ्टिंग देखने की मिलेगी आपको, जबकि कार्बोएनायन जिसे हम कहते हैं हिंदी में कार्बो ऋणायन और फ्री रेडिकल में ये शिफ्टिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। क्लियर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तरफ कर सकता हूं ना मैं, चलिए यहां लिख देता हूं नीचे। अब देखिए ये तो मैंने कुछ आपको समझाया था, अब क्या करें इसका, यहां पर ऐसा करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो समझ में आ गया ना आपके मैंने कैसे करा है। अब देखिए ये हाइड्रोजन मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, यहां पर लिख देते हैं H2O और ये हाइड्रोजन मैंने यहां दिखा दिया। क्लियर, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये वाले जो बॉन्ड है वो इधर की ओर शिफ्ट हो गए। क्लियर, अब इससे प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा देखिए जरा, जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां से जो होगा H पॉजिटिव निकल गया। क्लियर, ये H पॉजिटिव आपका निकल गया यहां से। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बोन CH2 और फिर कौन आएगा CH और यहां पर डबल बोन CH2। क्लियर, क्या आ जाएगा डबल बोन CH2, ये बन गया आपका ब्यूट 1E। क्या बन गया ब्यूट 1E या ब्यूटीन भी कह सकते हो खाली, बताइए। तो आपके दो प्रोडक्ट बने हैं, ब्यूट 2-ईन बना है और ब्यूट 1-ईन बना है। अब हमें बताना है कि भाई इसमें अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे करिए आप, देखिए डबल बॉन्ड है यहां पर, इस तरह से आप सर्किल कर दीजिए। देखिए ये कार्बन है तो ये बॉन्ड होगा अल्फा होगा, ये वाला इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कौन होगा अल्फा, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो आपके पास यहां पर होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए समझ में कितना होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहां पर अगर हम देखें इसे आप राउंड कर दीजिए, सर्किल बना दीजिए इस तरह से, तो ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर केवल केवल कितने हैं बताइए, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर केवल आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, और हमने बताया था कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन स्टेबल होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और जबकि यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली ब्यूट 2-ईन जो बनी है यही आपकी स्टेबल एल्कीन है और यही मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, देखिए इससे जो कार्बोकेटायन 2° बना था तो इसका कार्बोकेटायन स्टेबल है तो इसकी एल्कीन भी स्टेबल और इसका प्रोडक्ट क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये 1° कार्बोकेटायन बना था अनस्टेबल तो इसकी एल्कीन अनस्टेबल तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्लियर, अब दूसरी बात देख लो कि यहां पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप ये है एक मिथाइल ग्रुप ये है, तो यहां पर जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब इसके दोनों कार्बन, इस वाले कार्बन से भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस वाले कार्बन से भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिस एल्कीन से जितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल मानी जाती है, जबकि यहां देखो तो यहां पर केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो अल्फा कार्बन से देख ली, अल्फा हाइड्रोजन देख लो या फिर भैया इससे देख लो जो मैंने बताया कि जिस डबल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए होंगे वही क्या होगी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगा, वही स्टेबल एल्कीन होगी। बताइए बात समझ में आ गई, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको हमने समझाया है यहां पर। तो ये था हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 11.7। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।